हेलो भाई, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज भाइयों अपने को प्लाव करना है। और मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था कि ये खेत भाइयों बहुत कड़े के और रास्ते के नीचे भाइयों एक ज्वारी का खेत है, वो भी ज्वारी का खेत भाइयों बहुत कड़क है। और हमने पहले निकाला है भाइयों, कम से कम अपने पास अभी 2 बीघा खेत है भाई, बहुत कड़क खेत है। और इसकी पहले जुताई की थी और पहले क्या हुआ था भाई, प्रॉब्लम आया था कि अपने टायरों में से भाइयों पानी निकलवा दिया था, क्योंकि भाइयों सोयाबीन का सीजन जल्दी आने वाला है और बादल ही बन रहे हैं। और फिर क्या ट्रैक्टर के टायरों में पानी भी निकला था और वेट भी निकाले थे, लेकिन फिर क्या हुआ भाइयों, जब हम सही पानी के लिए गए उस वक्त भाइयों ऐसे प्रॉब्लम आया कि टायर स्लिप पे ज़्यादा मारने लगे। और हमने भाइयों उस वक्त क्या किया कि वेट लगा दिए और अभी ट्रैक्टर के टायर में पानी नहीं। एक बार दिखाता हूँ भाइयों, ये देख सकते हो भाइयों, और अभी वेट लगाए और वेट लगाने के बाद भाइयों परफॉर्मेंस तो जो स्लिपेज है भाइयों, स्लिपेज की प्रॉब्लम कम हुई। और अभी भाइयों हमने ये पट्टी लगवाई है भाइयों, कंपनी से आई थी भाइयों ये पट्टी, ये दोनों पट्टी लगवाई, क्योंकि भाइयों जब प्लाव करते वक्त जो नाली में ढेकुल आता है वो नहीं आएगा। चलो हम भाइयों अभी खेत में दिखाते हैं आपको, ये खेत है और रास्ते के उस साइड भाइयों वो खेत है, वो शाम के वक्त निकलेंगे। अभी इसमें देखेंगे भाइयों, ये कम से कम 1 बीघा इधर तक निकलने का है भाइयों, ये खेत 1 बीघा इस खेत है भाइयों, ये इसको लगेगा भाइयों कम से कम 1-1.5 घंटे लगेगी भाइयों, खेत 1-1.5 घंटे लगेगी भाइयों, क्योंकि खेत बहुत ही कड़क है। और चलो हम अभी चलते हैं खेत, पहले तो सेटिंग करते हैं भाइयों थोड़ी बार। देख सकते हो पट्टी लगाने से फायदा ये है कि नाली पीड़े खुलने आता। और भाई और टापलिंग थोड़ी सी लाम करनी होगी भाइयों, क्योंकि भाइयों पहला प्लाव लगता है और पिछला कम लगता है, पहला ज़्यादा लगता है पिछला कम लगता है इसलिए। और पत्थर देख सकते हो भाइयों ये धीमे भाइयों, ये कितना बड़ा पत्थर होगा आपको तो शायद मालूम है, कम से कम 30-40 किलो का भाइयों ये पत्थर होगा, ये देख सकते हो पत्थर। और भाइयों पट्टी लगाने से बहुत ही बढ़िया फायदा है। और ट्रैक्टर अभी भाइयों 10 के रेस पे चालू है, 9-10 के, क्योंकि भाइयों टायर स्लिपेज भी हमें कम करनी है, टायर स्लिपेज भी ना हो पाए और डीजल एवरेज भी बढ़िया मिलेगा हमें। और भाइयों हम अभी मैंने बोला था भाइयों रास्ते को उस साइड का खेत थे वो रह गए प्लाव करने के लिए। और ये भाइयों ये इतना खेत है, उस जगह ज्वारी का खेत है भाइयों, और देख सकते बहुत ही कड़क खेत है और डीमे देख सकते हो भाइयों ढेकुल, ये देख लो कितने बड़े ढेकुल है भाइयों, ये देख सकते हो। और ये जब
खेत खाली हुआ था भाइयों, उस वक्त भाइयों इस खेत में प्लाव किया था तब और अभी के प्लाव में बहुत अंतर है भाइयों। तब खेत थोड़े से गीले थे, गीले की वजह से भाइयों खेत नरम गए और अभी भाइयों ये खेत ज्वारी का है इसलिए बहुत कड़क जा रहा है। और भाइयों अभी मौसम देख सकते हो, मौसम भी बना हुआ है बारिश का और हम अभी प्लाव के लिए शुरुआत करते हैं। और भाइयों अभी इतना खेत हो चुका है और इस पट्टी ने भाइयों अपना फायदा किया क्योंकि डे खुलने आता भाई पास में और अभी टायर की हवा निकल रही है क्योंकि भाई स्लिप थोड़ी ज़्यादा हो रही है इसलिए। और भाइयों ट्रैक्टर के टायर के हवा निकलने से भाइयों बहुत अंतर आया है और खेत भी थोड़ा सा नरम लगा हुआ है इधर। और अभी ट्रैक्टर चालू भाई लोग के तीसरे गियर में गियर और भाइयों अभी खेत थोड़ा सा नरम जाने लगा है और इस पट्टी ने बहुत फायदा किया और अपने टायरों की हवा भी भाइयों मैंने निकाली और अभी भाइयों खेत दिखा तो भाइयों ये खेत थोड़ा सा गीला खेत है और इतना भी नहीं थोड़ा सा दिखता है ऐसा गीला गीला लेकिन गीला खेत नहीं। और इसमें पहले भाइयों पानी भरा था लास्ट पानी इस आधा इस खेत में भरा था और इस जगह पे पानी नहीं भरा था इसलिए इसमें बड़े बड़े पत्थर आए और इसमें पानी भरा था भाइयों। अभी ट्रैक्टर लो के थर्ड गियर में चालू है 10-12 के RPM पे और आप खोली देख सकते हो भाइयों इतनी खोली दे रहा हूँ मैं और देख सकते हैं हवा भाइयों तीनों नक्शी नीचे टायर की तीनों नक्शी ज़मीन पे टेकती है भाइयों। चलो हम अभी चलते हैं भाइयों ट्रैक्टर के ऊपर और क्योंकि क्यों रुका था वो अपने पिछले पट्टी के नट है भाइयों वो
भाई अभी खेत हो चुका है और उस जगह पे थोड़ा ही बाकी है, वो निकालेंगे शायद रिवर्स करके, देखेंगे भाइयों उस जगह पे जाके। और अभी इस खेत की आड़िया लास्ट भाइयों, ये खेत कंप्लीट हो गया होगा और अभी आड़िया लगाने का काम चालू भाई हो। आड़िया लगा के ये साइड और उस साइड की भी आड़िया है, दोनों साइड की बाकी है। और भाइयों मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये खेत निकल पाएगा या न निकल पाएगा जॉन डियर, उसके बाद टायर में पानी भी नहीं है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा ये हो गया था कि डर गया था निकल पाता या न पाता, इसलिए। और बढ़िया परफॉर्मेंस दिया आपने ट्रैक्टर ने भाइयों। I'm going to go to the next one.